आजा अंदर, मुझसे ऐसे डरिए जैसे मैं कोई बला हूं। बला ही तो है, एक खूबसूरत बला। कैसी दोस्त है? तू मेरी तारीफ करी है बुराई? बुराई। जल जल के मरते रहो तुम लोग तो। हाय अल्लाह भाई, मैं क्यों मरूंगी जल जल के? मरेंगे तो सारे मोहल्ले के लड़के जो तुझ पे मरते हैं पहले से। मेरी बला से मरते हैं तो मरते रहे। इसी वजह से मैं तुझे बला बोल रही थी। तू बड़ी संगदिल है, तुझे अपने सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता आसपास। दोस्त है दोस्त बन, माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। मेरे बस में हो तो मैं तेरी दोस्त भी ना बनूं। हाँ, एक मारूंगी। बढ़िया ही, जैसे बचपन से मेरा साथ दे रही ना वैसे ही देना पड़ेगा। जब तक रूही अपने ससुराल नहीं चली जाती, समझी ना? हाँ हाँ समझ गई बाबा, ठीक से समझ गई। कितनी जल्दी मैं आई थी मैं तेरे पास तुझे बुलाने के लिए। अम्मा ने बच्चों का जहेज लगाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो सारा पैक कर दें वापसी। सारी औरतें देख के जा चुकी हैं, तुझे दिखाना है, चल अब जल्दी से। हाँ तो बातें तो तू ऐसे करिए जैसे ट्रक भर के जहेज देने वाले, वही टूटी हुई दो चार पहियां होंगी जो इस मोहल्ले की हर लड़की को जहेज मिलता है। नहीं रूही, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, इरफान भाई ने शहर की सबसे बड़ी दुकान से बनवाया है। हाँ तो क्या है, सट्टे में जीता सट्टे में हार भी जाएगा, उसका कोई भरोसा है? तुम्हारे मुंह में खाक रूही, अल्लाह ना करे ऐसा हो। माना मेरा भाई बुरे काम करता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बहन को जहेज दे और वापस भेज दे। हो गई भाई की वकालत, मेरे लिए ना वो बुरे का बुरा ही है, समझ गई? चल अब देर हो जाएगी, पढ़ना मैं भी तो देखूं जाके। बड़ी दुकान, आ जा दिखाती हूँ।